श्री कृष्ण चैतन्य
भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के विश्राम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। विगत 7 दिनों से आप हम सभी इस धरा पर बैठ कर के भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। इस भागवत रूपी गंगा में डुबकियां लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा के प्रथम दिवस ही यह चर्चा हुई कि भगवत कृपा से इस भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, यद्यपि उन्होंने 3 चीजें बताई है जो जीव को अति दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संशय, ये 3 चीज
श्री शंकराचार्य जी ने बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती हैं ये बताया है, लेकिन उसमें एक चौथी चीज़ अगर और जोड़नी हो तो वो भगवत कथा है। भगवत कथा भी अनंत जन्मों की कृपा के प्रसाद के फलस्वरूप हम सभी को प्राप्त होती है, जो कि आप सभी को लगातार 2 वर्षों से प्राप्त हो रही है। पिछले साल भी इसी धरती पर बैठ करके हमने 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण पान किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया, और इस वर्ष पुनः, और इस वर्ष तो दिन भी बड़े पावन थे, नवरात्र का अवसर था, दशहरा पड़ा, और आज और भी अति पावन दिवस यानी एकादशी का पावन दिवस जिसमें आप हम सभी कथा के 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। एकादशी का, जिसको हम अगर ब्रज भाषा में 11 बोल देते हैं, एक देहाती भाषा में एकादशी का एक और नाम है शास्त्रों के अनुसार, और वो है हरिवासर। हरिवासर एकादशी का दूसरा नाम है। हरिवासर का मतलब होता है हरि का दिन, भगवान का दिन एकादशी है। क्या बाकी दिन भगवान के नहीं है? कहा बिल्कुल है, किंतु एकादशी एक विशेष दिन है जिसमें कहा गया है कि व्रत रख के वैष्णव जन भगवान का सब। बहुत ऐसे लोग होंगे, माताएं होंगी जो एकादशी का व्रत करती होंगी, और नहीं भी करते हैं तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि आप कोई व्रत करे न करे आपको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने किया ही नहीं। लेकिन एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसको न करने से पाप का भागी बनना पड़ता है, क्योंकि इस दिन अन्न खाना मतलब अन्न में दोष है, और उस दोष को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वही मति वही बुद्धि बनने लगती है। तो इसलिए हो सके तो, कोई आप पर दबाव नहीं, लेकिन हो सके तो एकादशी का व्रत सबको करना ही चाहिए। आप कहें कि नहीं हम तो भूखे नहीं रह सकते, तो व्रत में भूखा तो नहीं रहा जाता, व्रत में तो खूब खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि भूखा रहना पड़ता। जो भी व्रत में बनता हो, जो भी व्रत के लायक हो, वो बनाइए और खाइए। बस प्रयास करिए कि थोड़ा ठाकुर जी का नाम जब और अधिक करें, और दिनों के अनुसार भगवान नाम ज्यादा से ज्यादा लें, यही एकादशी का वास्तविक स्वरूप है। तो एकादशी महारानी भी हम सबके मध्य में आज आई है, तो हम सब एकादशी के इस पावन दिवस पर आज कथा को विश्राम करेंगे सभी भाव और श्रद्धा से। जिस प्रकार 7 दिन से आप इस कथा से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार आज सप्तम दिवस में आप आए हैं इस कथा से, तो अब इस कथा से आपको कुछ आज लेके जाना है, प्रसाद लेके जाना। क्या प्रसाद लेके जाओगे? पंजीरी के? क्या लेके जाना चाहते? कोई कहेगा हमको धन चाहिए, कोई कहेगा दौलत चाहिए, कोई कहेगा घर परिवार चाहिए, लेकिन इस 7 दिन की कथा को सुनकर के क्या चुनना है वो आप पर निर्भर करता, क्योंकि चुनाव आपका होता।
सब तरह के फूल रखे हैं, उसमें से आपको जो पसंद है वो आपको लेना पड़ेगा। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को गेंदा पसंद है, किसी को कमल का पुष्प पसंद है, चुनना आपको। अब चुनाव में ही गड़बड़ हो जाती है, ये जो हम चुनाव करते हैं किसी चीज का, इसी में गड़बड़ होती है। कैसे होती है? एक छोटा सा बालक है, उस बालक को भी कुछ बीमारी है और उसको डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, एक गोली दी है कि बेटा तुझे ये खानी है, पर वो उस गोली को खाता नहीं क्योंकि उसको कड़वी लगती है, उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो बार बार दवाई फेंक देता, उसको खाता नहीं है। उसके पिताजी ने सोचा ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे दवाई नहीं खाएगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी, तो क्या करूं जो एक गोली खा ले। तो पिताजी को पता था कि इसको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो पिताजी ने क्या किया, उस गोली को रसगुल्ले के अंदर डाल के घुसा के और उसको दे दी कि ले बेटा रसगुल्ला खा ले। वो बालक ने जाकर के अपने कमरे में रसगुल्ला खा लिया, तो पिताजी बड़े खुश हुए कि चलो कम से कम गोली इसके अंदर चली गई। तो पिताजी ने पूछा कि बेटा रसगुल्ला खा लिया? बोले हाँ पिताजी। बोले कैसा था? बोले पिताजी बहुत अच्छा था, बड़ा स्वादिष्ट था, मीठा भी बड़ा अच्छा था, पर पता नहीं थोड़ा अजीब था। क्यों? बोले उसके अंदर एक गुठली थी पर मैंने वो गुठली निकाल के फेंक दी, रसगुल्ला खा लिया। पिताजी बोले वारे, जिसके लिए पूरी मेहनत की वही जो मुख्य मूल चीज थी वही तूने निकाल के फेंक दी, अब क्या करेगा रसगुल्ला को खा के। वही दशा हमारी है, भागवत में सब चीज पकड़ाई गई लेकिन रसगुल्ला रसगुल्ला खा लिया और जो मुख्य औषधि उसको निकाल के फेंक नहीं दिया, बस नाचे गाए मौज मस्ती ली, खूब आनंद लिया और उसके बाद राधे राधे, तुम अपने घर हम अपने घर। अब अगली साल जब आओगे तभी याद आएगी आपकी और आपके भागवत जी, होता है कि नहीं होता ये? अब एक साल तक भागवत जी पैक आपके लिए, तो हमारे लिए तो यात्रा चलती चलती जाएगी हर हर स्थान पर, लेकिन अब आपको कब याद आएगी भागवत जी की? जब अगले साल पोस्टर लगा दिखाई देगा कि अब कथा होने वाली, तब याद आता हाँ चलो वही कौन आ रहे है? बोले पिछले साल वाले वही आ रहे। गांव में तो और भी लोग होते, कौन आ रहे? बोले वही छोरी आ रही है पिछली बारी, वही बांचेगी कथा। बात न छोरी की है, छोरा की है, चाहे छोरी बांचे चाहे छोरा बांचे, चाहे बूढ़ा बांचे चाहे जवान बांचे, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस कथा को श्रवण करके जो पिछले साल सुनी अब के साल भी सुनी, तो इसको सुन करके हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। और क्या बदलाव आए? मैंने ये तो आपसे नहीं कहा कि आप काम क्रोध लो मोह छोड़ दो, आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जो हो जैसा हो, जैसी आपकी बुद्धि, जैसा आपका स्वभाव, कुछ मत छोड़ो। भूल जाओ कि कुछ छोड़ना भी है आपको, भूल जाओ आपको कुछ त्यागना भी है, कुछ नहीं त्यागना, बस एक चीज पकड़नी है, छोड़नी कुछ नहीं। क्या पकड़नी है? अरे ठाकुर जी का नाम आपको पकड़ना, उसको पकड़ लो, कुछ मत छोड़ो। आप ठाकुर जी का नाम पकड़ोगे तो वो नाम आपसे सब कुछ अपने आप छुड़वा देगा। हम छोड़ने पे ज्यादा ध्यान देते, पकड़ने पे कम ध्यान देते, इसलिए पकड़ में कुछ नहीं आता। कहीं भी हम कथाओं में जाते तो हमको सिखाया जाता क्रोध छोड़िए, लालच छोड़िए, लोभ छोड़िए। छोड़ेंगे तो बाद में, पर पहले पकड़िए क्या, उस पे ध्यान दीजिए। वो पकड़ लिया तो बेड़ा पार। तो
आज की ये दिव्य कथा है जो लगातार आप 7 दिन से श्रवण कर ही रहे हैं। आज विश्राम दिन है तो सभी भाव और श्रद्धा से आज के विश्राम की कथा को, जो कुछ एक प्रभु के प्रसंग जो शेष बचे हैं भागवत में, हम उनका दर्शन करेंगे और अपनी कथा को विश्राम की ओर लेकर के जाएंगे। कल आप सबने कथा सुनी और कथा के माध्यम से सभी लोगों ने गोपी गीत का आनंद लिया, महाराज का आनंद लिया और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, जो भगवान की शादी हुई माँ रुक्मणी जी के साथ, उसका आनंद लिया और सब बड़े नाचे भी, गाए भी। क्या गाया, किस पे नाचे थे? आज मेरे किसकी सुना नहीं, आप ये बताओ बताओ, आप तो वही हो ना नाचने वाले भैया, सबसे पहले यही नृत्य करते हैं तो इनको याद होगा, आज मेरे शाम की शादी है, आज घन शाम की शादी, आज मेरे यार की शादी पे तो बहुत नाचे पर शाम की शादी में नाचने का आनंद ही कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि औरों की शादी में जब तक निमंत्रण कार्ड नहीं हो तब तक नहीं जा सकते, पर ठाकुर जी की शादी में सबकी खुली छूट है, कोई भी आ सकता, कहीं भी पहुंच सकता। और की शादी में क्या, तो औरों की शादी में एक और सबसे बड़ी झंझट होती है। क्या झंझट होती है? कहीं लिखा हुआ था कि कोई भी भारतीय शादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक एकाध फूफा या बुआ नाराज ना हो। एकाध का नाराज होना जरूर बनता और फिर उनको पूरे घर को मनाना पड़ता है कि मान जाइए फूफा जी, मान जाइए बुआ जी, यही सबसे पहले नाराज होते। बुआ तो नहीं बैठी यहाँ कोई, रिश्तेदार आए ना सारे अमित जी के, कहीं बुआ जी नहीं, नहीं ये बुआ जी तो अच्छी होंगी, दूसरी वाली बुआ जियों की बात है। वैसे हमारे वो बता रहे थे, अजीत जी, अजीत ही नाम है ना, अजीत जी बता रहे थे कि हमारे गांव के जो लोग हैं उनके भी रिश्तेदार आए हुए हैं कथा सुनने के लिए, किसी की मौसी आई है, किसी की बुआ आई है, दूर दूर से सबको पता कथा हो रही है, गाँव वालों ने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया कि आप भी कथा सुनिए। खैर अच्छी बात है, इसलिए वो गांव में कथा कराते हैं, नहीं तो इससे अच्छी व्यवस्था तो वो शहर में कर सकते हैं, पर गांव में कथा इसलिए कराते हैं कि शहर में कथा तो कहीं भी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन गांव में कथा प्राप्त होना और वो भी इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ, ये बड़ी अच्छी भावना है पूरे चौधरी परिवार की, अमित जी की, कि उन्होंने 2 वर्ष लगातार अपने गाँव में कथा कराई और गाँव के लोगों को आनंद दिया। आनंद आया कि नहीं आया आपको? 2 साल आया तो फिर कैसे पता चलेगा आनंद आया? एक बार अच्छे से बजा दो, धन्यवाद तो नहीं, धन्यवाद तो क्या देंगे, लेकिन जो इस परिवार ने किया है ये बड़े ही कृपा की बात है भगवान की, कि इतना सुंदर आयोजन अपने इस गांव में वो लगातार 2 साल से करा रहे हैं। खैर अभी धन्यवाद का समय तो बाद में आएगा, लेकिन बात चली है तो कोई भी शादी हो उसमें एक बरातियों की और खासियत होती है, आप कितना भी बढ़िया कर लो वो कुछ ना कुछ कमी ढूंढ के निकाल के ही जाएंगे, और अगर उनको कुछ भी नहीं मिला तो चलते चलते इतना तो बोल ही देंगे कि सब ठीक था पर रायते में नमक कम था। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ढूंढना है, कहीं ना कहीं पकड़ना है उस चीज को। पर ठाकुर जी की शादी ऐसी नहीं है, ठाकुर जी की शादी में तो सब वैष्णव जाते हैं और वैष्णवों को ना तो किसी से लेना है न देना है, उनका उद्देश्य केवल आनंद लेना है, इसलिए प्रभु कृष्ण की
विवाह में जो माँ रुक्मणी के साथ हुआ है, उस विवाह में आप सबने सम्मिलित होकर के आनंद लिया और भगवान कृष्ण को और माँ रुक्मणी जी को बधाइयाँ प्रदान की। तो ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ। अब प्रभु के आगे कितने विवाह हुए उनका वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को करा रहे हैं कि और कितने विवाह हुए भगवान के और किन किन के साथ हुए, इनका क्या नाम था और कैसे इनके साथ भगवान ने विवाह किया। तो श्री सुखदेव जी भगवान की दूसरी जो पटरानी है उनका वर्णन श्रवण करा रहे हैं। सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि भगवान की दूसरी पटरानी कौन थी और इनके साथ विवाह कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारिका में रहा करते थे जिनका नाम सत्राजित था, लेकिन इन सत्राजित को न जाने कहां से एक मणि प्राप्त हो गई जिस मणि का नाम था सामंतक मणि। ये मणि इनको प्राप्त हुई और इस मणि की एक बड़ी अच्छी एक गुण ये है कि इस मणि की अगर विधि पूर्वक पूजा की जाए विधिवत रूप से तो ये मणि एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार को अगर आप आज के काउंटिंग के हिसाब से करेंगे तो 2 क्विंटल सोना एक दिन में दिया करती थी। अब सुनने में बड़ा अचंभा आता है, ऐसे कैसे हो सकता, पर हमारे पूर्व में ऐसे ही मणि कल्प वृक्ष सब हुआ करते थे। मणि तो बहुत अब तक भी रही है, पारस मणि तो कुछ वर्षों पूर्व तक भी रही, कई 100 वर्ष पूर्व, जहां पारस मणि को स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता था। अकबर के समय में पारस मणि थी। चिंतामणि एक होती है, चिंतामणि क्या करती है कि उस मणि को हाथ में लेके जो भी सोचा जाए जो भी चिंता की जाए वो तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देगी। आप चिंतामणि को हाथ में लेके कहो कि हमको 1 करोड़ रुपया अभी चाहिए तो तुरंत मिल जाए। आप चिंतामणि को हाथ में लेके कहो एक घर चाहिए तुरंत मिल जाए। लेकिन भागवत एक बड़ा सुंदर श्लोक है, चिंता मनिर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपद। चिंतामणि सब कुछ प्रदान करने वाली है, लेकिन चिंतामणि को आप हाथ में लेके ये मांगो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दे तो चिंतामणि नहीं करा सकती। वैसे ये कल्प वृक्ष भी है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो मांगोगे सब मिल जाएगा, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी अगर आप कहोगे कि मुझे भगवान से मिला दे तो वो भी नहीं मिला सकता। तो भगवान से ना तो चिंतामणि मिला सकती, ना भगवान से कल्प वृक्ष मिला सकता, तो फिर भगवान से मिलाएगा कौन। तो भागवत ने उत्तर दिया, परिच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। भगवान से अगर कोई मिला सकता है और भगवान से आपकी कोई भेंट करा सकता है तो वो केवल और केवल आपके सदगुरु हैं, आपके गुरु हैं, जिनके चरणों को पकड़ करके सीधा भगवत धाम जाया जा सकता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से सब इच्छा पूरी हो जाती है, वैसे गुरु के चरणों के स्पर्श से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो गुरुओं के पैर छूते हैं। इसीलिए संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, जो आपको हरि का दर्शन करा सकता है, जो आपको ठाकुर जी से भेंट करा सकता है। परिच्छति
गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु धारण करिए, गुरु धारण करिए, दीक्षा प्राप्त कीजिए। लेकिन न हम गुरु धारण करते हैं। कई बार लोग जाते हैं ना संतों के पास, तो जाके पूछते हैं कि हमको महाराज को गुरु बनाना है। तो हमारे ब्रज में एक संत कहते गुरु बनाना है, तो आजकल सचमुच शिष्य गुरु धारण नहीं करते, सचमुच गुरु बनाते हैं। गुरु बनाते मतलब गुरुओं को बनाते हैं और गुरु चेलाओं को बनाते हैं। ऐसा हाल संसार में चल रहा है। लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल जाए और सच्चा शिष्य मिल जाए, जब दोनों पात्र सच्चे मिल जाते हैं, तब भगवान में, भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं होती। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे जिन्होंने गुरु बनाए हुए हैं, मतलब धारण किए हुए हैं? कितने लोग हैं? बहुत कम संख्या है जिन्होंने धारण किए हैं। अच्छी बात है। बाकी जिन्होंने नहीं भी किए हैं तो गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ लेनी चाहिए। और केवल यही नहीं कि हाँ जी गुरु बना लिए और फिर गुरु जी कहीं और हम कहीं। गुरु जो मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए, उस मंत्र पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और जब उस मंत्र पर पूरा विश्वास रख के भजन करोगे, माला करोगे, उस गुरु मंत्र का जाप करोगे, तो भगवान कहीं भी आपसे दूर नहीं। इसलिए जिनके गुरु नहीं है वो भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु हम पर ऐसी कृपा करे कि हमको कोई वास्तविक सच्चा गुरु मिले। और जिनके हैं वो बस प्रार्थना करे अपने गुरुदेव से कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखना, ताकि हमें आपके चरणों को पकड़ के भगवत प्राप्ति हो जाए। आइए 2 मिनट के लिए सब अपने अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, गुरुदेव दया करके सेवा करते हैं।
सहारे हो इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो चरणों का चेहरा
तो गुरु वो मार्ग है जो भगवत कृपा तक पहुंचाता है। इसलिए आज श्रीमद्भागवत कह रही है कि जो काम न चिंतामणि कर सकती है, न कल्पवृक्ष, न पारसमणि, न सामंतकमणि, वो केवल एक सदगुरु ही कर सकते हैं। तो आज सत्राजित जिसके पास मणि है, जिस मणि की वो विधिवत पूजा करता था और हर दिन बहुत स्वर्ण प्राप्त करता था, अब एक दिन सत्राजित भगवान की सभा में बैठा था, महफिल सजी थी, श्री कृष्ण वहां सबसे ऊपर विराजमान थे। तो सब लोगों ने एक सुझाव दिया कि भैया ये जो मणि तू अपने पास रखा है, तो ये मणि को अगर द्वारिका के राजकोष में जमा कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना सारा सोना हर दिन आएगा तो हमारा जो राज्य है वो मजबूत होगा। इसलिए हमारी बात मान तो ये मणि श्री कृष्ण को प्रदान कर दे। अब सत्राजित को बड़ा बुरा लगा, मेरी मणि मैं कृष्ण को क्यों दूं? अब कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो राजा है, इसलिए स्थान छोड़ के उठ के चला गया और सोच लिया अब वापस जाऊंगा ही नहीं, उस सभा में कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका एक भाई था जिसका नाम प्रसेन था, तो प्रसेन ने सत्राजित को समझाया कि भैया देखो आप भले वहां मत जाओ, लेकिन अब लोगों को पता तो चल गया है कि आपके पास एक मणि है, और सबसे बड़ी बात कृष्ण को पता चल गया कि आपके पास मणि, और आप तो जानते हो कृष्ण बचपन से कितना बड़ा चोर है, खूब कारनामे चर्चे सुने हमने उसके, तो माना चोरी करने में तो सबका सरदार है, तो क्यों ना ये मणि भी कहीं तुमसे चुरा ले, तो इसलिए ये मणि तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं, ये मणि तुम मुझे दे दो, मैं उसको संभाल के रखूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि मणि मेरे पास है, इसलिए ये मणि मैं रख लेता हूँ। तो सत्राजित ने मणि भाई को दे दी और भाई उस मणि को गले में डाल के, गले में पहन के जंगल में शिकार के लिए चला गया, जहाँ उसको एक सिंह ने मार्ग दिया, उससे मणि लेके आगे चला गया। आगे एक भालू आया, भालू ने सिंह को मारा, उससे मणि ली और एक गुफा में चला गया। अप्रसेन जब वापस नहीं आया तब कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने कलंक लगाया, लांछन लगाया कि इस कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है और इसी के पास वो मणि छुपाए बैठा। भगवान इस बात को सुन के बड़े दुखी हुए, पर फिर मन में विचार आया कि नहीं नहीं राजा हूँ, प्रजा में कोई कहीं कोई भेदभाव है तो मेरा दायित्व तो बनता है मुखिया के रूप में कि मैं उसको दूर करूँ। इसलिए भगवान खुद मणि ढूंढने निकल गए, ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में पहुंच गए जहाँ वो भालू लेके घुसा था, और भगवान कृष्ण उस गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। उस गुफा में वो भालू अपने जो रीछ था वो अपने आँख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था, क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं था, ये साक्षात श्री जामवंत महाराज थे जो त्रेता में राम की सेना में, सुग्रीव की सेना में जो जामवंत जी थे वही जामवंत जी, तो इनके पास वो मणि थी। तो भगवान गए गुफा में जाकर के इनके साथ युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब भगवान ने इनको राम रूप का दर्शन कराया तब इनकी समझ में आया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा वो मणि हमें वापस दे दो, मणि वापस दे दी गई। अब जब प्रभु जाने लगे तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज मेरी बड़ी एक दिली इच्छा है, कहिए, मेरी एक बेटी है, विवाह के योग्य हो चुकी है, वर की तलाश की जा रही है, तो प्रभु
आपसे अच्छा वर इसे क्या मिलेगा। इसलिए प्रभु हमारी एक इच्छा है कि आप हमारी बेटी का पाणी ग्रहण कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए और इनके साथ विवाह कर लीजिए। भगवान बोले, जामवन जी थोड़ा सा लेट हो गए आप, क्योंकि तो हम तो पहले ही शादी के बंधन में बन चुके हैं, अभी अभी विवाह करके ही आए हैं, हमारी रुक्मणी जी इंतजार कर रही होंगी, तो विवाह तो हो चुका। जामन जी ने कहा, रे महाराज ये राम अवतार थोड़ी है कि मर्यादा बंधी है कि एक ही विवाह कर सकते। प्रभु ये तो कृष्ण अवतार है, यहाँ तो जो भी आपकी शरण में आएगा आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब आपके शरणागत है। कोई भी जीव हो, ये तो कहने की बात है कि 16,108 पत्नी थी, बाकी हम सबके भी तो जो पति है, जो जगतपति है, जो द्वारिका नाथ है, वो श्री ठाकुर जी तो है संपूर्ण जगत के। तो हे प्रभु, अब तो आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया, इनके साथ विवाह कर लिया और विवाह करके वापस महल पहुंचे। दूसरी पटरानी भगवान की जामवती जी। अब भगवान ने वो मणि जो थी वो लाके सत्राजित को वापस दे दी, जिसकी मणि थी उसी को सौंप दी। अब सत्राजित को दुख हुआ और मन में विचार आया कि हमने कितनी बड़ी भारी भूल कर दी, श्री कृष्ण को इतना बड़ा कलंक लगा दिया, जबकि ना तो उनका कोई दोष था ना गलती थी। अब क्या करें, ठाकुर जी तो हमसे नाराज हो जाएंगे, अब इनको खुश कैसे करें। तो इनके घर में एक कन्या थी, बेटी थी, जिसका नाम सत्यभामा था। इनका विवाह भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित ने भगवान कृष्ण से करा दिया। तो ये भगवान की तीसरी पटरानी हुई सत्यभामा जी। चौथी पटरानी भगवान की हुई कालिंदी, सूर्य भगवान की पुत्री, जिनका एक नाम श्री यमुना जी भी है। ये जो यमुना बहती हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। भगवान की पंचम पटरानी देवी मित्रविंदा हुई। छठवीं पटरानी नग्नजीत की बेटी सत्या हुई। सातवीं पटरानी भगवान की भद्रा हुई। और श्री ठाकुर जी की आठवीं मुख्य पटरानी जो वो माँ लक्ष्मणा हुई। ये श्री ठाकुर जी की आठ मुख्य पटरानी है। 16,100 रानियों के साथ भगवान ने कैसे विवाह किया, तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था और इस दैत्य ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया और मन में विचार किया कि ये जब इनकी संख्या 16,000 से बढ़कर के 1,00,000 तक पहुंच जाएगी तब इन सबके साथ विवाह करूंगा। अब बेचारी कन्या कारागार में पड़ी पड़ी बड़ी दुखी है, श्री ठाकुर जी को पुकार रही है। भगवान को मन ही मन इन्होंने पुकारा और जब भगवान को पुकार की गई तो भगवान वहां पधारे हैं और भौमासुर के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। भौमासुर के साथ युद्ध करके भगवान ने इनको इसका उद्धार किया और सब कन्याओं को कारागार से मुक्त करके कहा कि कन्याओं अब तुम मुक्त हो चुकी हो, अब चलो तुम अपने अपने घर को वापस प्रस्थान करो। लेकिन ये सारी कन्या आज भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है, प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु हमारा भला इस दुनिया में अब आपके सिवा कौन है। आप तो जानते हो प्रभु, इस समाज में एक कन्या का रहना कितना दुर्लभ है और उसमें भी हम वो कन्या जो इतने वर्षों तक इस दैत्य के कारागार में बंद रहे। महाराज हम तो बहुत छोटे परिवार की कन्याएं हैं, बहुत साधारण घर की कन्याएं हैं, हमारे ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, क्यों, क्योंकि हम जानती हैं महाराज इस समाज ने जब जनक की पुत्री माँ जानकी को नहीं छोड़ा तो हम जैसी नारियों की समाज में क्या क्या हैसियत है।
प्रभु अब हम जान गए हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब दुनिया में कोई नहीं होता है तब उसका कौन होता है? इशारा बस एक ही तरफ जाता है, मनो ऊपर ही रहता है। किसी से पूछो ना भगवान कहाँ रहता तो क्या इशारा करेंगे? हमने अपनी सुविधा के लिए भगवान को ऊपर बैठा दिया है, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि भगवान अगर हमारे साथ में रहने लगे तो सोचो कैसे जियोगे। कभी सोच के देखना, भगवान ने कहा चल बेटा 24 घंटे मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, अब भगवान आपके साथ है 24 घंटे। तो आपको बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी पीनी, अब बताओ कैसे पियोगे? वो तो साथ में बैठे। आप किसी मंदिर जाते हो, आप किसी मंदिर में गए तो कोई आदमी बीड़ी सिगरेट पीता हुआ भी जा रहा हो लेकिन मंदिर से बाहर ही उस बीड़ी को फेंक देगा और फिर अंदर जाएगा और अंदर दर्शन करके जैसे बाहर आ गए निकाली फिर जलाई और फिर से शुरू। मतलब जब तक भगवान रहे तब तक उससे दूर था और इसीलिए अपनी सुविधा के लिए उस भगवान को मंदिर की चार दीवारी में बिठा दिया कि प्रभु इससे बाहर मत निकलना, इससे बाहर आप निकले तो मेरा जीना, भगवान आपके साथ है। और आप दुकानदारी करते हो, दुकान पे बैठे हो, एक ग्राहक पूछता कितने रुपया का ये सामान है, आपने कहा 100 रुपया का, भगवान आपके साथ है। अब बताओ ये कैसे कह पाओगे कि भैया मुझे तो इसमें कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा, जितने का लेके आए उतने ही तुझे दे रहा। ठाकुर जी साथ हैं, बोलिए कैसे बोलेंगे? अपनी सुविधा के लिए हमने भगवान को या तो मंदिर में बंद किया है या ऊपर बैठा रखा है, लेकिन भगवान ना तो ऊपर है ना मंदिर में है, वो आपके सबसे नज़दीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो आत्मा के रूप में अंदर बैठा है और हर रूप से आपका दर्शन कर रहा है, देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, घट घट की जानता है कि तुम्हारी बुद्धि किस तरफ चल रही है। ये कैमरा सामने है, ये जो लगा जिस पे आपकी फोटो आती है और देखते ही आप हाथ हिलाने लगते हैं कि आ गई। तो ये कैमरा तो ऐसा है, दो तरह के लोग होते, एक तो होते हैं जिनको कैमरे में आने का बड़ा शौक होता, उनको बड़ा अच्छा लगता है हमारी तरफ कैमरा आए तो एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम सावधान हो जाते हैं। एक वो भी होते हैं जो कैमरा आए तो अपनी नज़र छुपाने लगते हैं, अपने आप को छुपाने लगते कि हम दिख नहीं जाए, दो तरह के लोग होते। तो भगवान ने सोचा कि मैं जितने भी जीवों को बना रहा हूँ इनके पास कैमरा लगाऊं तो न जाने किसको दिखने का शौक हो, किसको छुपने का शौक हो, इसलिए भगवान ने बाहरी कैमरा हटा ही दिया और सबके भीतर में चित्ररूपी कैमरा फिट कर दिया और देखा कि अब इससे कोई नहीं बच सकता, कितना बचोगे, कितना भागोगे। भगवान ने भीतर ही सब बनाया हुआ है, इसलिए भगवान कण कण में है और सबकी रक्षा करने वाले वही हैं, वही सब पर कृपा करने वाले। इसलिए सारी कन्याएं आज भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल और केवल आप हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी स्थितियां आती हैं, कई सारी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है कि हाँ वास्तविकता में केवल और केवल आपका कोई अपना है तो वो ठाकुर है। और सच्चाई भी यही है, जिस दिन अपने जीवन की डोर उनके चरणों में सौंप दोगे उस दिन देखना वो कमाल होगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना करें भगवान से हम सब मिलकर के कि हे प्रभु मेरा जीवन है तेरे हवाले, तन है
वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, हाँ मेरा जीवन है तेरे हवाले। ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बांसुरिया वाले, ओ श्याम सुंदर बांसुरिया वाले। अच्छा पहले बता दो है कि नहीं उसके हवाले, क्या आपके हवाले कर चले ये वतन, हवाले तेरे साथ ही है। क्षमा करें लाइन इधर उधर हो गई, लेकिन हवाले है ठाकुर जी के, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी के हवाले, कैसे पता चलेगा? जो ठाकुर जी को रिझाएगा, जो ठाकुर जी को मनाएगा, ठाकुर जी को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे वाह कितने समझदार है, जानते सब पर मानते कुछ नहीं, इसलिए मनाना ठाकुर जी को तो भाव से नृत्य करते हुए तो हाथ उठा के ताली बजाते। मेरा जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, हाँ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। ओ श्याम मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसु
सारा जग तेरे दर का भिखारी। तेरे दर का भिखारी। चाहे जिसको बना दिया मिटा दे, चाहे जिसको बना दिया मिटा दे, चाहे जिसको बना दिया मिटा दे, चाहे जिसको बना दिया मिटा दे। ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसुरिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है पुतली है हम तेरे जन के, फूल है हम तेरे उपवन के, कठ पुतली है हम तेरे जन के, फूल है हम तेरे उपवन के, कठ पुतली है हम तेरे जग के। जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मसुरिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बोली श्री श्याम सुंदर भगवान की।
बस यही आशा रखता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन की डोर तेरे चरणों में है, तू जिधर खींचेगा मैं उधर चला जाऊंगा। और हे प्रभु, आपकी कृपा फल ही ये जीवन की श्वास चल रही है, और श्री ठाकुर जी वास्तविकता में जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हित के लिए ही करते हैं। शायद हमें ना समझ आए, लेकिन उसकी लीला के पीछे बहुत बड़ी कृपा छुपी होती है, जो शायद जीव को उस समय समझ ना आए, लेकिन बाद में अवश्य समझ आती है कि उसने क्यों किया और इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। और शर्त है कि उन पर विश्वास रखिए, उन पर विश्वास रखेंगे तो वो विश्वास वो प्रभु कभी टूटने नहीं देंगे, अपने भक्त का भरोसा वो कभी बिखरने नहीं देंगे। इसलिए आज ये रानियां कहती है, प्रभु दुनिया भले साथ छोड़ दे, लेकिन आपका साथ होना अति आवश्यक है। आप साथ हैं तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। दुनिया साथ हो लेकिन आप साथ नहीं हो तो उस दुनिया के साथ का क्या लेना देना, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। प्रभु ये दुनिया जीने नहीं देगी, हमें मालूम है कि कितना कष्ट भरा ये संसार है, इसलिए हम तेरी शरण में आए हैं, तू हमें स्वीकार कर, तू हमें अपना बना। तब श्री ठाकुर जी इनकी प्रार्थना से बड़े प्रसन्न होते हैं और इन सब कन्याओं को स्वीकार करते हुए भगवान इनका पाणि ग्रहण करते हैं, यानी इन सब के साथ भगवान विवाह करते हैं। तो जितनी भी रानियां थी सब के साथ विवाह करके भगवान इनको अपनी द्वारिका लेके गए। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हैं, भगवान की पटरानियां हैं। इन विवाह के पश्चात भगवान के आगे जो माँ रुक्मणी और भगवान कृष्ण का जो सुंदर संवाद होता है, उस संवाद का सुंदर श्रवण भी श्री सुखदेव जी ने कराया है। इसके बाद भगवान जरासंध का उद्धार करते हैं, समस्त राजाओं को उनके कारागार से मुक्त कराते हैं, पौंड्रक का उद्धार करते हैं। पौंड्रक का उद्धार किया गया, जो अपने आप को भगवत स्वरूप कहता था कि मैं भगवान हूँ, और सब लोग उसकी जय जयकार करते थे, लेकिन ऐसे जितने भी पौंड्रक आज तक हुए हैं, भगवान ने उन सबके चेहरे सामने भगवान लेकर के आए हैं, उन सबका उद्धार किया है भगवान ने। क्योंकि जो वास्तविक भक्त होगा वो ना तो अपने आप को कभी भगवान बताएगा ना संत बताएगा, वो अपने आप को भगवान का दास बताएगा कि मैं भगवान का दास हूँ या दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं। कई लोग कह देते ना, हम तो कुछ नहीं, हम तो भक्त हैं भगवान के और ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे मोटे भक्त हैं। हम भक्त भी नहीं है, कहाँ हमारी गिनती अभी भक्त की श्रेणी में हुई। भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भक्त बने कहाँ हैं, भक्त बने नहीं, इंसान बने नहीं और भगवान बनने के लिए चल पड़े। तो इसलिए आवश्यक है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए। आज के समय में क्या माहौल चल रहा है देश में आप जानते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा संतों के पास भी जाएं, गुरुओं के पास भी जाएं, श्रद्धा खूब रखें, विश्वास रखें, पर सोच समझ के जो शास्त्र कह रहे हैं उस हिसाब से संत को संत की पदवी देनी चाहिए। और खासकर माताओं बहनों से ज़्यादा प्रार्थना, क्योंकि जो माताएं होती हैं ना, ये थोड़ा जल्दी बाबा जियों के चक्कर में आ जाती हैं। मतलब वास्तविक संत हो तो खूब प्रणाम करिए, खूब जय जयकार करिए, लेकिन कहीं अगर इधर उधर आप बेकार में भटकें, अपने जीवन को बर्बाद करते हो तो क्या लाभ। आते ना गांव में कोई एकाद ऐसा आ जाता है, वो आके मैयाओं को बता देते, तेरे इतने छोरा हैं, तो मैया बोलती, अरे वाह बाबा, तुम तो एकदम सही बोले।
तेरा पति ऐसा है? बोले हाँ बाबा ऐसे ही एकदम पी के पड़ा रहता। तेरी बहू ऐसी है? तो हाँ महाराज। तेरी बेटी ऐसी? हाँ महाराज। उसी में राजी हो जाती। ला अब तेरा भविष्य बता दिया, निकाल। भैया सब कुछ नौछावर कर देती। तो माता बहनों को थोड़ा ज़्यादा शौक होता हाथ दिखाने का, थोड़ा भविष्य दिखाने का, महाराज कैसा भविष्य होगा। वर्तमान में जिए, जो भगवान दे रहे खुश हो के ग्रहण करें। कौन अशुभ है कौन शुभ है इस चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी बर्बाद करो। ये अशुभ घड़ी थी, ये हो गया था, ये अशुभ हुआ था, ये नहीं होता तो ये हो जाता, इस चक्कर में पड़े रहोगे तो ना तो खुद कभी खुश रह पाओगे ना किसी दूसरे को खुश रहने दोगे। भगवान जो करते बड़ा अच्छा करते। इस विचार को लेके जियो, अपने डर को अंदर से भगाओ और भगवान जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रख के आगे बढ़े चलो। पौंड्रक अपने आप को भगवान का रूप बताए, भगवान ने उसका उद्धार किया और उस पर कृपा की। फिर पांडवों का राजसु यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ में अग्र पूजा हुई, भगवान को प्रथम स्थान दिया गया और वहाँ पर शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया, शिशुपाल पर कृपा की। इस प्रकार ये सब कथाएं आप हम सबने संक्षेप में श्रवण कर ली। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक और कथा भगवान के भक्त की और भगवान के परम मित्र की सुना रहे हैं, जिसका आज आप हम सब श्रवण करेंगे और भाव और श्रद्धा से सभी श्री सुदामा जी के इस दिव्य चरित का आप हम सब श्रवण पान करें। सुदामा जी कल भी आपने सुना, संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा की पहली मुलाकात हुई, पहली भेंट वहां हुई थी। और भेंट भी कैसी हुई, मित्रता कैसी हो, वो श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। सुदामा गुरुकुल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, गरीब ब्राह्मण है इसलिए ना तो कोई रथ है ना बैलगाड़ी है, पैदल पैदल चले जा रहे थे। तभी अचानक से कांटा आके सुदामा के पांव में चुभा, पांव में लगा, और जैसे कांटा लगा सुदामा वहीं बैठ गए और उस कांटे को अपने पांव से निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन कांटा इतना घुस चुका था कि कांटा निकल नहीं पा रहा। बार बार कोशिश करने पर भी नहीं निकला। तभी वहां एक रथ आके रुका और रथ किसका था, स्वयं भगवान कृष्ण उस पर विराजमान थे। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और जाके बड़े प्रेम से कहा, भैया क्या बात है, तू यहां क्यों बैठा है? सुदामा ने कहा, भैया पांव में कांटा लग गया है, वो निकाल रहा हूं, निकल नहीं रहा। कृष्ण ने कहा, ला पांव दे मैं निकालता। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं भैया, कहां तुम इतने बड़े राजा के संतान हो, हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, तुम हमारे पैर को कैसे स्पर्श कर सकते हो? तो कृष्ण ने कहा, हाँ एक बड़ा आदमी दरिद्र आदमी का पैर नहीं स्पर्श करता, तू ऐसा मानता है तो चल ठीक है, लेकिन एक मित्र तो एक मित्र का पांव छू सकता है? मैं आज से तेरा मित्र हूं। यानी भगवान ने मित्रता का हाथ पहले बढ़ाया कि ला पैर इधर दे, अपने मित्र को अपना पांव दे। सुदामा बड़े संकोच में, कैसे दू? भगवान कहते हैं, तुम ब्राह्मण देवता हो, मेरे मित्र हो, लाओ। भगवान कृष्ण पांव से कांटा निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी कांटा नहीं निकला, तो भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से अपने मुख से सुदामा के पांव में घुसे कांटे को बाहर निकाला। सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाह, व्यक्तित्व हो तो ऐसा, इतना बड़ा व्यक्ति होकर के अपने मुख से कांटा निकाला। और ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में आपके पांव में कांटा चुभाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई कांटा निकालने वाला है तो केवल वो श्री ठाकुर जी। कांटा निकाल हो ही सकता है, चुभाने वाले बहुत मिलेंगे पर निकालने वाला वही अकेला। पहला हाथ भगवान ने मित्रता का बढ़ाया सुदामा की, और तब से ये मित्रता शुरू होती होती आज
बरसों बीत गए, कृष्ण अपनी द्वारिका चले गए, सुदामा अपने गांव वृंदापुर चले गए, लेकिन मित्रता खत्म नहीं हुई और दिन ब दिन कृष्ण की याद सुदामा को सताए जा रही है। कृष्ण कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या करता होगा। दिन रात सुदामा याद करते हैं। सुदामा की एक पत्नी जिसका नाम सुशीला है, सुशीला सुदामा को एक दिन कह उठी कि स्वामी, मेरी तो इच्छा है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका चले जाएं, क्योंकि इतने दिन हो गए, एक बार मुलाकात तो होनी चाहिए आपकी उनसे। हाँ सुशीला, तू कहती तो सही है, पर क्या बताऊँ, हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की। क्यों, मैं चला जाऊँ उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा और लोगों को कहूँगा कि मैं सुदामा का यार हूँ, तो न जाने लोग क्या क्या बात बनाएंगे, कैसा मित्र है, गरीब आदमी, दरिद्र आदमी, और उससे मेरे कृष्ण का अपमान होगा, इतने बड़े आदमी ने किसको मित्र बनाया। तो सुशीला, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे कृष्ण का अपमान हो। सुशीला कहती, आप चिंता क्यों करते हो, कोई नहीं कहेगा, आप मेरी बात मानो, आप चले जाओ, दर्शन करके आप ढिंडोरा मत पीटना मित्र, बस जाके भगवान से मिल लेना, भेंट करके वापस आ जाना। हाँ सुशीला, मन तो मेरा भी बहुत है, पर चल, तू कह रही है एक सहारा देने वाला मिल गया, तो और इच्छा जाग उठी कि अब तो जरूर जाऊंगा। अच्छा सुशीला, बता क्या लेके जाऊंगा। देख, वो तो द्वारिका का राजा हम कितना भी दे सब फीका है, पर फिर भी खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। सुशीला, कुछ भी हो तो प्रदान कर। सुशीला के घर में रसोई से कुछ चावल लाई है और एक साड़ी के पल्लू में उसको बांध करके उसको सुदामा को दे दिया। सुशीला भी कम भक्त नहीं थी, बड़ी भारी भक्त थी भगवान की, और इतनी सहनशील कौन स्त्री हो सकती है। कभी सुदामा जी से शिकायत नहीं की कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसा रख रहे, बड़े आनंद में ठाकुर जी का नाम लेके रहती थी। तब सुदामा जी अपने चावल की पोटली को काक में बगल में दबा करके द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका की ओर जा रहे थे, तो श्री सुदामा जी द्वारिका की ओर गए। रास्ते में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए श्री सुदामा जी द्वारिका की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मन में विचार करते जा रहे हैं कि बड़े दिन बाद कृष्ण से मिलूंगा, पहचान पाएगा कि नहीं। पर फिर विचार आया, नहीं नहीं, जरूर पहचानेगा, मेरा कृष्ण तो भक्त वत्सल है। इसलिए श्री सुदामा जी चलते गए, चलते गए, अब पहुंचे। एक नदी पार करनी थी, भगवान कृष्ण ने स्वयं उस नदी को पार कराया। फिर एक वृक्ष के नीचे सुदामा आराम करने के लिए बैठ गए, लेकिन भगवान ने मन ही मन सुदामा को द्वारिका पहुंचवा दिया। द्वारिका में जब आँख खुली, तब श्री सुदामा जी भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते भगवान के महल तक पहुंचे हैं, और वहाँ जितने भी भगवान के पार्षद खड़े हैं, जितने भी भगवान के दूत खड़े हैं, उन सबको जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि भैया, एक बार कृष्ण तक सूचना पहुँचा दो कि आज उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। तो आइए, आप हम सब भी भगवान के सुंदर इस दिव्य रूप का दर्शन करेंगे, और बैठे बैठे आप सभी इस भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन श्रवण करें। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
हर द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। ओ नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नशे आ गया है, कि मिलने सखावत नशे आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ऐसो बेहाल विवाइन सो पग
कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करना करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब गया है, किधर पे सुदामा करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है। जैसा कि आप सभी से प्रार्थना की ही जा रही है विगत 7 दिनों से, और आज विश्राम दिन है, तो आज भी ये कहना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार आप हम सभी गौसेवा से जुड़े हुए हैं, इस कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। गौ माता की रक्षा को, गौ माता की सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर के अपने जीवन में एक स्थान गाय को भी दीजिए, पशु रूप में नहीं, एक माता के रूप में, जो जगत जननी है, सर्वदेवमयी है, ऐसी गौ माता की स्थापना अपने जीवन में भी हम सबको करनी है। आज कथा से जब जाएं तो हृदय में ये भावना लेके जाएं कि जिस भी रूप में जो भी सामर्थ्य श्री ठाकुर जी ने हमको दी है, उस सामर्थ्य का आप गौ माता की रक्षा में, गौ माता की सेवा में उपयोग करेंगे। अगर हर व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य को गौ माता की सेवा से लगा देगा तो दिन दूर नहीं है जब भारतवर्ष में एक भी गाय ना मरेगी, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और गौ माता की रक्षा का संकल्प लेना पड़ेगा। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि इस भावना को अपने हृदय में बनाए रखें, केवल सुने नहीं, आप भी गौ सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लें। आपके आसपास कोई भी गौशाला है, कोई गाय है, आपके घर की गाय है, सब स्थान पर जहाँ भी गाय हो, पूर्ण रूप से अपने आप सर्वस्व समर्पित करके गाय की सेवा आप अवश्य करें, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है। तो आइए शेष प्रसंग में हम सब प्रवेश करेंगे। आप सबने दर्शन किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत किया है, और सब मर्यादाओं को तोड़ते हुए भगवान ने सुदामा को अपने गले से लगाया और अपने आसन पर सुदामा को बिठाया जहां भगवान स्वयं बैठते थे। वहीं सुदामा ने अपनी चावल की पोटली कृष्ण को समर्पित की, क्योंकि जो था बस वो एक पोटली में बंधा हुआ था, सब कुछ सुदामा उस पोटली में बांध लाया था, अपना भाव, अपना प्रेम, अपना समर्पण। भगवान ने उस चावल की पोटली से चावल निकाले और उस प्रसाद को भगवान ग्रहण करते हैं और सुदामा को मन ही मन सब कुछ प्रदान कर देते हैं, क्योंकि मांगने से तो एक सीमित रूप में मिलेगा, लेकिन प्रभु के दरबार पर बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है, बुद्धि से परे मिलता है, इसलिए नहीं मांगा, भगवान ने भरपूर दिया। और जब सुदामा अपने दर्शन करके वापस अपने गाँव पधारे, तब दिखाई दिया कि क्या दिया है भगवान ने,
राजमहल बना हुआ है, बड़े बड़े महल खड़े हैं, पूरा एक नगर सुदामा के नाम का बसा है। जब सुदामा ने पता किया तो पता चला कि ये हमारे द्वारिकाधीश की कृपा है, ये हमारे ठाकुर की कृपा है, जिस कृपा के द्वारा आज हमें ये सब प्राप्त हुआ। सुदामा ने उसको प्रसाद रूप स्वीकार किया और जीवन भर एक छोटी सी झोपड़ी बना के भजन करते रहे, और भजन करते करते अंत में सुदामा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये भगवान के परम भक्त परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज की दिव्य कथा को श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराया गया, जिसको आप हम सब ने भी श्रवण किया इस कथा के माध्यम से। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सुदामा पर कृपा की, हम पर भी कृपा करें और हमारी भक्ति सुदामा जैसी निष्काम बनी रहे। इसी भावना के साथ सुदामा जी की कथा को यहीं विश्राम करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए कुछ जो प्रसंग बचे उनका दर्शन करेंगे और कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। आज बड़ा सुंदर उत्सव भी है, भगवान श्री हमारे मध्य आकर के आनंद लेंगे। वैसे तो उसका नाम होली उत्सव है, लेकिन सिर्फ आनंद के लिए भगवान हम सब तक पहुंचेंगे, ताकि आप सब भी यहाँ से जब जाएं तो मैं भर कर के अपने घर लेकर के जाएं। तो कथा के विश्राम में वो सुंदर उत्सव भी होगा, उसका भी आप हम सब दर्शन करें। सुदामा जी की कथा विश्राम हुई और इसके बाद भगवान कृष्ण के जाने का समय आया, जो अवतार लेने के प्रभु के मुख्य उद्देश्य थे वो पूरे हो चुके हैं। अब गोलोक धाम जाना है, कैसे जाएंगे उसके लिए भगवान ने एक लीला की। भगवान यदुवंश के हैं, उस यदुवंश का नाश कराया, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जामवती, जो भगवान श्री कृष्ण की द्वितीय पटरानी है, जामवती के पुत्र थे सांभ। सांभ ने ऋषियों का अपमान किया, पुरुष होकर के एक नारी का वेश बनाया, एक गर्भवती नारी, संतों का परीक्षा लेने के लिए संतों के पास गए और जाके आसपास के लोगों ने कहा कि महाराज ये औरत गर्भवती है, बताइए इसको बेटा होगा कि बेटी होगी, आप तो अंतर्यामी है, देख के बताइए। संतों ने आंख बंद की और देखा तो पता चला कि ये तो हमको मूर्ख बना रहे हैं। तो संत क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जा ना इसके गर्भ से बेटा ना बेटी, इसके गर्भ से एक बहुत बड़ा मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे पूरे वंश को मिटा देगा। और वैसा ही हुआ, उसके जब उसने अपने वस्त्र उतारे तो मूसल प्रकट हुआ। ये बात जब महाराज उग्रसेन को बताई तो बिन भगवान कृष्ण से सलाह लिए महाराज उग्रसेन ने आदेश दे दिया कि इस मूसल को तोड़ के मसल के इसको पानी में समुद्र में बहा दो। उस मूसल को तोड़ करके समुद्र में बहा दिया गया। धीरे धीरे उस मूसल के जो कण थे वो निकल निकल के किनारे पर आ गए, जो एक एरा नामक घास के रूप में प्रकट हुए, जिसकी घास की जो तेज थी वो एक तलवार के धार के बराबर वो घास तेज थी। और वहीं एक छोटा सा उस मूसल का भाग जा करके एक मछली ने खा लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, अमनिया किया तो गर्भ से वो निकला, उसको एक व्याध ने अपने बान के नोक पर लगा लिया, जो आगे चल के भगवान कृष्ण के चरण में लगा। इधर यदुवंशियों ने आज बड़ा भारी नशा किया, मदरा पी, और मदरा पी के मदमस्त हो गए, नशे में अपने आप को अपने जीवन को भूल गए, क्योंकि नशा हमेशा जीवन का नाश करता है, हमेशा भुलाता है कि आप कौन हो। इसलिए आज कथा का सातवां दिन, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, कोई दबाव नहीं है, बस एक प्रार्थना है, इस व्यासपीठ पर बिठाया है आपने उसके नाते, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा हो जो कोई बुरी आदत हो खाने की पीने की, प्रयास करे कि आप उसको आज भागवत जी में समर्पित करके जाए,
क्योंकि आपका परिवार भी चाहता होगा कि हमारे पिताजी शुद्ध आहार करें, जब घर आए तो हंसते हुए आए, ये नहीं कि लुढ़कते पुड़कते आए, पिए पड़े हैं, कुछ भान नहीं, कुछ होश नहीं, किससे क्या बात कर रहे, क्या बोल रहे हैं। जानते हैं कि इन सबको करने से हमारा जीवन खराब हो रहा है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लोग कहते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि ये छोड़ दो कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो इसके नशे में ऑलरेडी पड़ा है उसको मालूम है कि छोड़ना कितना मुश्किल है। बात सच है, छोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये छूटेगा कब? ये छूटेगा तब, छोटा कोई भी नशा तब छूटता है जब उससे बड़ा नशा हाथ में लग जाता है, तब छूटता है। तो अगर ये नशा छुड़ाना है तो उसके लिए ठाकुर जी के नाम को पकड़ लीजिए, क्योंकि वो इतना बड़ा नशा कि उसके सामने सब नशे फीके पड़ जाते हैं, सब छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है भाइयों से कि कोई भी गलत आदत हो खाने की पीने की, जितना हो सके उससे दूर रहे। एक आदमी ने कथा में सुना, वो घर गया, घर जाके अब उसको हुक्का पीने की आदत थी, अब हुक्का पीने बैठ गया, आंगन में बैठा और हुक्के को रखा कमरे में, और कमरे से लेके आंगन तक उसकी पाइप खींच करके लाया, लंबी, इतनी लंबी, कमरे से लेके आंगन तक लंबी पाइप लेके। तो किसी ने पूछा, भैया ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, ये इतनी लंबी हुक्का वहाँ कमरे में रखा, तुम आंगन में बैठे हो, इतनी लंबी पाइप क्यों लगाई है? तो बोला, मैंने कथा में सुना था कि नशे से जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया, इसलिए दूर बैठ के पी रहा। ऐसे दूर नहीं रहना, असली वाला दूर होना है। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, आप नहीं चाहते होंगे कि आपका बच्चा सिगरेट पिए, तम्बाकू खाए, शराब पिए, तो आप सबको भी उससे दूर रहना अति आवश्यक है। तो मेरी प्रार्थना है कि इस कथा में अपना जो भी ये बुराई हो समर्पित करके ही आज यहाँ से जाए। यदुवंश का नाश हुआ और अंत में भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास क्षेत्र में जाके उद्धव को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, और कुछ ज्ञान के उपदेश देके भगवान कृष्ण वहाँ से विदा लेते हैं, अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में समर्पित करते हैं, और भागवत जी में अपने स्वरूप को समर्पित करते हुए श्री ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। भगवान की लीला विश्राम हुई, अब कलयुग शुरू हो गया। कृष्ण थे, द्वापर था, उनके जाते ही कलयुग शुरू हो गया, और अभी भी कलयुग ही चल रहा है, जिसको शुरू हुए लगभग 5,000-5,500 वर्ष हो चुके हैं। आगे श्री सुखदेव जी दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराते हैं, जिन्होंने 24 गुरु धारण किए, सबसे शिक्षा प्राप्त की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अब वहां से विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी का विदाई होती है, राजा परीक्षित भी अपने मन, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को भगवान में लीन कर देते हैं। तक्षक आया, परीक्षित जी के शरीर को डस के चला गया, परीक्षित जी अपने ध्यान मग्न बैठे रहे। इस प्रकार राजा परीक्षित ने 7 दिन तक इस दिव्य श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, और 7 दिन की कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का इस भागवत ने उद्धार कर दिया। ये भागवत इतनी पवित्र है कि 7 दिन क्या, ये तो एक क्षण में भी उद्धार करती है, बस शर्त है योग्य वक्ता होना चाहिए और योग्य श्रोता होना चाहिए। अगर वक्ता भी योग्य बन मिल गया और श्रोता भी योग्य मिल गया, दोनों संयोग जब मिलते हैं, तो ये भागवत भगवान का साक्षात दर्शन कराती। तो हम सब यही प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु, इस भागवत के द्वारा हमने जो भी सुना हम उसको ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में अपना सकें और आपकी भक्ति कर सकें। आइए भागवत का विश्राम श्लोक आप हम सब मिलकर के पाठ करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके सभी भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम
सनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना प्रणामो दुख समनास प्रणामो दुख समनास प्रणामो दुख समनास सम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम सम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। ये भागवत का विश्राम श्लोक है, जिस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के नाम की और संकीर्तन की महिमा बताई गई है, क्योंकि भगवान का नाम ही एकमात्र कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन है। इसलिए हम बहुत भोले भाले लोग हैं, भोले मतलब ज्ञानी नहीं हैं, बहुत विद्वान नहीं हैं, बहुत हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संस्कृत आती नहीं है, बहुत मुश्किल है भगवान को पाना। लेकिन भगवान कहते हैं कि ना तो मैं किसी विद्वता से प्रसन्न होता हूँ, ना किसी ज्ञान से, ना वैराग्य से। मुझे प्राप्त करना है और मेरी भक्ति करनी है तो केवल शुद्ध मेरी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है। बहुत सारी माताएँ हैं जिनको ऐसी, या बहुत माताएं होंगी जिनको पढ़ना भी नहीं आता होगा, तो भागवत भी पढ़े तो कैसे पढ़े, रामायण पढ़े तो कैसे पढ़े, गीता पढ़े तो कैसे पढ़े। पर कुछ भी अगर पढ़ना भी नहीं आता तो सबका सार एक ही है कि अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में परिणाम सबका यही है। 2 वर्ष से आप कथा सुन रहे हैं, आप कितने 2 वर्ष नहीं 200 वर्ष भी सुन लो, उसके बाद भी अंत में यही निकलेगा कि भजन आपको करना है, नाम आपको लेना है। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी माताओं से, भाइयों से, कि हर रोज हो सके एक माला भगवान नाम की जरूर करें। आपके गुरु से जो भी दीक्षा प्राप्त है, गुरु का मंत्र जाप करें। गुरु मंत्र नहीं है तो महामंत्र जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। एक माला आप नित्य प्रति करें, और माला भी नहीं है तो भी चलते फिरते खाते पीते कुछ भी काम कर रहे हो, जब भी याद आए मन ही मन इस प्रभु नाम को, इस महामंत्र को हृदय में जप करते रहें। यही मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है और आशा है कि आप सब इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में हरि नाम को स्थान देंगे, भगवान नाम को स्थान देंगे और अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे। तो 7 दिन हो गए इस कथा को श्रवण करते करते, आप सभी ने 7 दिन भाव से, अनुशासन से इस कथा को सुना है। कथा खत्म नहीं है, पिछले साल भी खत्म नहीं हुई थी, बस कुछ समय के लिए विश्राम ले लेती है फिर से आरंभ हो जाती है, तो इसलिए खत्म नहीं है, ये विश्राम है। फिर प्रभु कृपा करें, फिर आप सब इस कथा से जुड़े, ऐसी ही श्री ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है, भागवत जी से यही प्रार्थना है। और जैसा कि मैंने कथा के आरंभ में भी कहा था और अभी के इस कथा में, भगवान ने जिनको निमित्त बनने का 2 बार अवसर दिया है, ऐसा पूरा चौधरी परिवार
हमारे श्री गजेंद्र सिंह जी, उनके जो सुपुत्र हैं अमित जी, सचिन जी, सभी व्यवस्थाओं को संभालने वाले उनके भाई बंधु हमारे अजीत जी, और जितने भी उनके भाई बंधु हैं, उन्होंने भी बड़े भाव से इस कथा में अपने आप को समर्पित किया, और बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं वो गांव में भी बना लेते हैं। इसलिए इस पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि ताली बजाते हुए हम सब अभिनंदन करें, ऐसे नहीं हाथ उठा के। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको भगवान इतनी सामर्थ्य प्रदान करते रहें और आपकी भावना सदा ऐसी बनी रहे, या आप ऐसे सत्कार्य अपने गांव में कराते रहें, ताकि आपके गांव के लोगों को भी इन सुंदर कार्यों का, इस सुंदर आयोजनों का लाभ प्राप्त होता रहे। हमारे अमित जी तो कई बार हॉस्पिटल आए भी हैं, उनके शायद और बंधु बांधव वो भी पधारे हैं, तो बड़ा लगाव, बड़ा प्रेम है उनका गौ माता से भी, भागवत जी से भी, व्यासपीठ से भी। यही कारण है कि इस वर्ष फिर, क्योंकि अभी ऐसा समय आया, नोटबंदी भी आई, फिर मोदी जी ने GST भी लगा दिया, तो थोड़े थोड़े लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, लेकिन ऐसे समय पर भी आपने अपने हृदय को, दिल को खोल करके अपने धन को भगवान नाम में लगाया, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, और आगे भी ऐसी करते रहें, ऐसी ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। आप पूरे परिवार के लिए, आपका स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, आपका भजन में मन लगा रहे, परिवार में भक्ति की वृद्धि हो, ऐसी ही श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है। और यजमान परिवार तो धन्यवाद के पात्र है ही, लेकिन आप सब जनता भी बहुत धन्यवाद के पात्र है कि आप आ जाते हैं, जब भी आपको पता चलता है कि कथा हो रही है आप पधारते और कथा का आनंद लेते, क्योंकि जब जितने लोग आते हैं उतना ही सबको उत्साह बढ़ता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया है, लोग इतने आ रहे हैं, मतलब खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए कि आप सबने 7 दिन तक यहाँ अपना समय दिया। हमारे अमित जी बड़े खुश होते हैं जब देखते हैं ना लोग आए हैं, आनंद ले रहे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और वक्ता को भी अच्छा लगता है कि जब लोग बैठे और आनंद लें कथा का। तो आप सबने आके इस कथा की शोभा बढ़ाई। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि बड़ी दुविधा थी इस कथा के आरंभ में ही, प्रभु ने अपना कुछ परीक्षा ली, इंद्र ने प्रकोप किया। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं आपको भी पता होगा, आप एक लकड़ी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा स्थान पानी से भर चुका था, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था की जो टीम है, यहाँ के लोग तो थे ही बिल्कुल, सभी यजमान परिवार था, यहाँ के व्यवस्थापक थे, लेकिन हमारी जो गौसेवाधाम परिवार की टीम है वो भी 2-3 दिन पहले यहाँ आ गई, और पूरी उन्होंने मेहनत की, इसलिए उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां। हमारे बलराम जी, धीरज जी, ये सब पहले ही आ गए, क्योंकि पता था माहौल बहुत ख़राब है, जिन्होंने ये टेंट लगाया, आगरा से हैं बबलू जी, उन्होंने भी अपनी पूरी व्यवस्था लगा दी कि कथा हो, कैसे भी हो, कथा कैंसिल नहीं होनी चाहिए, और उन सब का प्रयास था कि लगातार बिना विघ्न के 7 दिन कथा हुई, और ठाकुर जी भी खुश रहे, खूब बढ़िया धूप निकाली। तो उन सबको भी बहुत बहुत मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्ये मे समर्पये, भगवान की कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, और फिर से आप कथा से जुड़ सकते हैं 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से कथा आस्था पर आएगी, पर उसका समय थोड़ा बदलाव है, क्योंकि ये कथा हॉलैंड में होने वाली है, तो वहाँ का समय भारत के समय से अलग होता है, तो शायद रात को है, 9 बजे से, रात को 9 बजे से आस्था पर उसका लाइव प्रसारण है, क्योंकि उस समय वहाँ दिन हो रहा होगा। तो आस्था भजन पर रात को रात्रि 9 बजे से लाइव है, तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। जयथोली भी बड़ा, जब पिछले वर्ष आए थे तो अमेरिका से सीधे आए थे, तब कथा हुई थी, और अब यहाँ आए तो अब यहाँ से जाते ही सीधा जा रहे हैं, तो भाग्यशाली है। जयथोली भी जब भी आते हैं तो हम
ऐसे ही समय पर आते हैं। और हमारे अमित जी भी पिछले वर्ष भी कह रहे थे कि कुछ ही समय मिलता है पूरी कथा में, कहीं ना कहीं आना जाना, लेकिन जैथोली के लिए प्रभु कहीं ना कहीं से समय निकाल ही देते हैं 7 दिन का। तो भगवान ऐसे ही आप सबको सत्यकार से जोड़े रहें, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। तो आइए इस सप्त दिवसीय कथा को हम सब यहीं पर समर्पित करते हैं। आगे दिवाली भी आने वाली है, दीपावली पर हम यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए आप सभी को अभी से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में उजाला हो, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब हम आज के उत्सव की ओर बढ़ेंगे। ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे और उस उत्सव का आप हम सब आनंद लेंगे। लेकिन देखिए, 7 दिन तक आपने अनुशासन का परिचय दिया है। मैं बार बार कहती हूँ, जब गांव में कथा होती तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है। घबराहट मतलब वैसे नहीं होती, पर कभी कभी कुछ लोग होते थोड़ा अशांति ज़्यादा करते हैं, शोर ज़्यादा करते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है और आपस में बातचीत होती है, तो फिर कथा में मन नहीं लगता क्योंकि वहाँ बातें चलती हैं। लेकिन आप सब ने 7 दिन तक लगातार बिना किसी विघ्न के एकदम शांति से आप कथा सुने हैं, तो विश्राम दिन है आज भी, एकदम अनुशासन बना के रखिएगा। जहाँ हैं वहीं नृत्य करिएगा, आगे मत आइएगा, जहाँ हैं वहीं नृत्य करें और ठाकुर जी का दर्शन करें। तो आइए, भगवान हमारे मध्य आएंगे और हम सब उसका आनंद लेंगे। फूलों की पुष्पों की ठाकुर जी होली खेलेंगे। पिछले वर्ष भी आप सबके मध्य होली से ही हमने विश्राम किया था, तो इस वर्ष भी आने वाली है दिवाली पर होली से विश्राम करेंगे। तो सभी मिलकर के प्रेम से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आनंद लेंगे और होली का सब मिलकर के आज बिरज में होली अपने अपने घर से निकली, 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 कोई शाम कोई गोरी रे रसिया, कोई शाम कोई गोरी रे रसिया, कोई शाम कोई गोरी रे रसिया, कोई होरी रे बड़ी जोरी रे रसिया, होरी रे
आप सबके साथ होली खेलेंगे। और देखिए खड़ा नहीं होना, नाचना है, सबको नाचना है, दोनों हाथ उठा के भाव से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डो कि मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डो कि मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डो कि मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डो कि मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डो कि मुख से। राधे राधे बोल, दोनों हाथ उठा के सभी लोग, जितने लोग पीछे तक खड़े हैं, भाव से ताली बजाते हैं। भजन आपको हमारे राजन भैया सुनाएंगे अपने मीठे कंठ से, बड़ा सुंदर, और आप सब उस पर नृत्य करेंगे। विश्राम भजन है इसलिए खूब दिल से जितना नाचना नाच लीजिए, विश्राम भजन है तो सभी। रसिया रसिया सब कहे, रसिया जाने न को, अरे रसिया वा को जानिए, जा में प्रेम रसी हो। बोलो होरी के रसिया की, मेरो खोई गयो, ओ मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो बाजू बंदे हो रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंदे हो रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंदे
सुन नंद के ओ सुन नंद के ओ सुन नंद के ओ बर चंग ओ रसिया होरी में सुन नंद के ओ बर चंग ओ रसिया होरी में होरी में होरी में 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 रसिया होरी में राधे राधे राधे
राधे राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 चलो थोड़ा थोड़ा सा एक बार थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए एक भजन और देवी जी के द्वारा पर जोर से जयकारा लगा दो एक बार बोल वंशी वारे की श्री राधे चलिए सभी वृंदावन चलते हैं सचमुच नहीं मन ही मन भाव के साथ सभी गाती हूँ मैं तो वृंदावन को जाऊँ श्री राधे पर जो अभी माताएं जा रही हैं एक विश्राम का भजन है आज विश्राम का ही दिन है एक आखिरी भजन श्रवण करके उसके बाद आरती करेंगे आरती आज की विश्राम आरती का दर्शन करके ही जाएं शाबाश ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से जिस जिसके नैना ठाकुर जी से लगे भाव से ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से ओ मेरे नैना लगे बिहारी से 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 ओ मेरे नैना लगे घर में खाऊं रूखी सूखी घर में खाऊं रूखी सूखी और माखन मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से माखन मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे को जाओ सखी मेरे नैना
सभी भाव से ताली बजाते हैं। घर में सास ननदिया लड़े घर में सास ननदिया लड़े हैं मोहे 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 आनंद मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से मोहे आनंद मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से वृंदावन को जाऊं जाप करें और इस कथा को विश्राम करेंगे सभी दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्